रे तू तो रोज लेवे है याकी, आज तो यही ने ले ली तेरी। कप्तान है यही ने, बताइए भाई। एक मौका, नुकसान की भरपाई करके दूंगा, इसलिए आ भाई आपके पास। और हथियारों से जो दहशत फैलती उसका क्या है भाई? कप्तान की लाश ला के दूंगा, इलाके में दहशत फैल जाएगी। चल पुराना साथी है, 15 दिन दिए, या तो कप्तान ने गोली मार दी जाओ या अपने जिंदा एक ही चाहिए। भाई तुम चिंता ना करो, मैं संभाल लूंगा। तू संभाल लेगा चाट की पिस्सू, पहले अपनी लुगाई को तो संभाल ले, क्या करना है उसका। भाई मैं तो रणवाई रहना, ब्याह ब्याह नहीं करना मुझे, ऐसे ही घोड़ी चढ़ लूंगा, ब्याह ब्याह नहीं करना मुझे। अरे असलम भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम करीम भाई, सब खैरियत? हाँ सब खैरियत तो है। हाँ लेकिन हमने सोचा शौकीन भाई के जाने के बाद आप हुसैनपुर का रास्ता ही भूल गए। शौकीन भाई की स्पेशल चाय का मन किया तो बस चले आए भाई। चाय जब वो थे तो मिल जाया करती थी, अब तो बस इंतजार करना पड़ता है। हराम जादे, डेढ़ डेढ़ आए हम जो तिकटिया चा पियेंगे, वरना फिर जो चूतिए हैं जो बार बार वहां जाके अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। इतना गुस्सा क्यों हो करीम भाई? आपका तो वो मालिक था, मेरा तो भाई था छोटा। जब तक ये नवीन और टेढ़े जिंदा है ना, अल्लाह कसम हलक से नीचे एक निवाला नहीं उतरता। शौकीन के बाद हम सोच रहे थे कि हुसैनपुर को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए, और उनके तोड़ के लिए अशफाक को बुलाया है। अशफाक, सलाम वालेकुम भाई। तो हुक्म करो भाई, क्या करना है? अपने सारे लोगों को इकट्ठा करो। हाँ भाई। अरे यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, इसको जो चाहिए मैं दूंगा, समझ आई? सब ठीक है भाई, पर इन डेडो का क्या करना है? जब दो चूतिया लड़ रहे हो ना तो पहले वाले का साथ दे दो, दूसरा मर जाए तो पहले वाले को खुद मार दो। अजर। सलाम भाई, मैं अजर। ये इकट्ठा करेगा भाई? जब तक मां नहीं चोदोगे कोई बाप नहीं कहेगा, अब बाप बनने की बारी है। चूतियों के सिंह नहीं होते जो दुनिया उन्हें अलग से पहचान ले। मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? प्यार में नुकसान तो होते रहता है मेरी जान। झांट बराबर थे पैसे, समझे? कुआं है मेरे पास, आगे से पैसे मेरे तो फैसले। ओ जिनाल, मर्द है यहाँ, मर्दन के मुंह पे ना कोई लगाम ना लगा सके। औरतों की ना चलती हैं कोई ना,
एक और मर्द आ रहा है। जमानत मिल गई के या गांड मरवाई जो छोड़ दिया? मारनी पड़ी थी जेलर की, अब कई लोगों की और मारनी है। तू क्यों आया यहाँ? तेरा मन नहीं है दिल्ली से अब तक? हा? राणा साहब की जगह अशफाक सारे काम करेगा। पैसा थारा, आदमी मारे तो फिर चलेगी भी मारी। बदला ना तू पिंटू। मैं मौसम थोड़ी हूँ जो बदल जाऊंगा। जब मरूंगा ना तो तब भी खड़े ही रहेगा बेटा। मामू ऊपर से दबाव बनाएंगे और हम यहां से पहलवान मिलके काम करेंगे, तभी भागेगा ये कप्तान। अरे मार दो ने हराम जाते से केरा को। थारा आदमी है तो सही वहां पे, उसे कह के मरवा दो या उससे भी इस नाच की गाड़ी मरवाओगे? पहलवान के आगे औरतें भी बोलने लगी। कब से? खुदा हाफिज। टीरू के करके सारे नंबर क्यों ऑन हो रहे? जैन सर, डेढ़ों के सारे फोन की लोकेशन पता चल रहे हैं। सर इनके फोन की लोकेशन तो कप्तान साहब, ये अशोक की लुगाई है बबीता। नमस्ते कप्तान साहब, जो लाश मिली थी निहार के पास, हमसे तो कही थी पुलिस स्टेशन ले जाओ बस। और इसके बगल में ढेर सारे फोन भी रखे थे, इसमें से एक बार बार बज रहा है। पिंटू डेढ़ा बोल रहा हूँ जी। और कितने लोगों को मरवाओगे कप्तान साहब? हाथ थक गए मारते मारते। यही थी ना जो मुखबरी कर रही कप्तान साहब? मारी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सके। कितने लोग चाहिए मरने को? एक बार लिख के दे दो। अरे हम इंतजाम कर देंगे बैरी, तुम्हें सोने का मेडल मिल जाएगा और हमें सोने का टाइम। तुझे सोने की बहुत जल्दी है ना, तो ऐसा कर मोटे बांस की चारपाई बनवा ले, क्योंकि उसे चलाने में मुझे बहुत मजा आएगा। भाई बहुत घमंड आ गया तुम्हें तो कप्तान। जब तेरे जैसे चिंदी चोर को घमंड हो सकता है तो मैं तो कप्तान हूं वर्दी वाला। ज्यादा भूल गए भी कप्तान। सुन डे डे, सारे दिन तेरे, बस एक दिन मेरा। उस दिन टेटों की कहानी खत्म।